हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हैप्पी नवरात्रि। तो आज मैं बना रही हूँ व्रत में यूज़ करने वाले आलू की चाट। तो इसके लिए लिया हुआ है मैंने उबले हुए आलू, और इसको मैं एक आलू में 8 पीसेस कट कर लूँगी। जितने भी आलू हैं मैं उसको ऐसे पीस में कट कर लेती हूँ। देन मैंने चढ़ाया एक कढ़ाई। कढ़ाई जब तक गर्म हो रहा है उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। जो भी आप लोग व्रत में यूज़ करते हैं वो ऑयल ऐड कर सकते हैं। घी चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं, घी में भी फ्राई कर सकते हैं। ऑयल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। देन उसमें ये जो आलू को पीस कट किया हुआ है इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई हो गए हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे क्रिस्पी सा फ्राई करना है। अगर आप लोग व्रत में सेंधा नमक यूज़ करते हैं तो आप जिस टाइम ये आलू फ्राई निकल रहा है इसी टाइम नमक डाल के आप इसको गर्म में ही मिक्स कर सकते हैं, ताकि जब आप खाएं तो वो सेंधा नमक का टेस्ट आपको आए। देन दूसरी में मूँगफली आलू की चाट बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है थोड़ा सा मूँगफली, और इसको मैंने बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाला। घी डालने के बाद इस मूंगफली को डाल के हम मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली जैसे ही रोस्ट हो जाएगी देन मैं इसमें डालूंगी 2 कटी हरी मिर्च। इसके बाद ऐड करेंगे हम मैश किया हुआ आलू। ये बिल्कुल मैश नहीं है, बिल्कुल हाथ से फोड़े हुए आलू हैं। ऐसे दबा के फोड़े, इसको कट नहीं करेंगे, इस तरह से हाथ से मैश करके डालेंगे। अगर आप सेंधा नमक यूज़ करते हैं तो आप इस टाइम ही सेंधा नमक डाल सकते हैं। हरा धनिया अगर यूज़ करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, बट मेरे यहाँ व्रत में बिल्कुल सिंपल सा खाना, बिना सेंधा नमक के खाते हैं, तो मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। और इसे हम दही के साथ में शब कर लेंगे। तो है ना, बहुत ही कम टाइम में बनने वाले व्रत का चाट रेसिपी, जो भी बोल सकते हैं आप लोग। तो इसे बनाने में जितना टाइम सिर्फ आलू को बॉयल करने में लगता है, इसको कुक करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो ये मैंने जो आलू को बिल्कुल फ्राई किया हुआ है वो है आलू चाट। और ये मूंगफली की चाट है। तो मेरे यहाँ व्रत में बिल्कुल सिंपल खाना यूज़ करते हैं, बिना नमक, बिना किसी चीज़ का, तो इसलिए मैं ऐसे सब कर रही हूँ। तो मैं प्लेट लगा रही थी तो मैंने उसी टाइम इसी प्लेट में लगा लिया था। तो इसमें मैंने कट किया एक बनाना, एक एप्पल, और ये है आलू मूंगफली की चाट। देन ये है आपको जो आलू की सिर्फ फ्राई की हुई चाट है। मोस्टली लोग सेंधा नमक यूज़ करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये है सिंघारे के आटा की बर्फ़ी। तो ये बिल्कुल प्योर शुद्ध घी में बना हुआ है। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ। कमेंट करके बताइएगा, अगर इस बर्फ़ी की रेसिपी चाहिए तो मैं आपके साथ वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो ये मेरा व्रत की थाली तैयार है।
तो वीडियो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट में प्लीज़ जय माता दी ज़रूर लिखिएगा आप लोग। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।